हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस ये ब्लॉग जो आज मेरा सरोजी नगर के नाम था और मैं गेट नंबर 2 से बाहर एग्जिट हुई, तो बाहर आते पहले मैंने देखा ये 50-50 रुपए के क्लेचर्स पूरे सेल्स। और देखो कितने भी से, किसी में 5 है, किसी में 6 है, और क्लिप है ये चिट बटन वाली, ये भी 50 रुपए की, रबड़ बैंड है ये भी 50 रुपए का। हर चीज जो है यहाँ पे 50 रुपए का, गेट नंबर 2 के जस्ट सामने ही है। और यहाँ पे मैंने 10 रुपए का टॉप भी देखा, यकीन ही नहीं होता 10 रुपए में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। यहाँ 10 रुपए का टॉप भी था, यहाँ देखो बच्चों की क्लिप थी और ये भी 50 रुपए था, और ये जो है गले के सेट थे ये भी 50 रुपए। इसमें मैंने जो है कुछ देखा कि बिल्कुल अच्छे थे और कुछ जो है थोड़े डिफेक्टिव थे, मतलब जैसे पॉलिश जो है निकली हुई हो तो वो भी था। तो अगर आप यहाँ से शॉपिंग करें तो हर चीज जो है चेक करके लीजिए। और यहाँ पे क्या कलेक्शन आया हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है 100 रुपए के 4 इयर रिंग्स, यानी 20 रुपए पर पीस। 20 रुपए सुन के तो मैं हैरान ही होगी, क्योंकि 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100, इससे तो कम मिलता है नहीं। 20 रुपए तो मैंने यहाँ पे देखा और बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मैंने एक दो जो है इयररिंग्स अपने लिए भी परचेज किया, और सारा जो है कलेक्शन 20 रुपए का ही था। यहाँ पे आप चाहे सिंगल लीजिए चाहे पूरे 5 लीजिए, 20 रुपए ही, 100 रुपए के 5। और ये जो है हाथ के कड़े थे ये 50 रुपए पर पीस था, और 100 के 2 यानी। और ये चूड़ियां थी ये भी बहुत अच्छी लगी, जैसे हम लोग सूट पहने तो उस पर कैरी कर सकते हैं हम लोग, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो है इनमें कंगन थे, अच्छे लगे थे काफी। हम कहीं फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप हम जो है एक हाथ में वॉच और एक हाथ में जो है हम ये कंगन पहन सकते हैं। और इस टाइम पे भी क्या क्या कलेक्शन आया वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी। और हमें कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, पटरी से या शॉप से या मेट्रो के बाहर जो पटरी लगी होती है वहां से कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए वो मैं आपको सारे इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप ये वीडियो प्लीज मेरी एंड तक जरूर देखी है। और यहाँ पे जो है हाथों के ये ब्रेसलेट कह लीजिए, तो ये जो है यहाँ पे 20 रुपए का था, मैंने 100 रुपए के 5। अगर हम नॉर्मली कहीं से लेते हैं तो 30, 25, 50 के 2 ऐसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए का था और अच्छा भी था और काफी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे जो रबड़ बैंड थी ये भी 10 रुपए की थी, और हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं सब कुछ। और आगे चली तो मैं देखो भाई साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि 100-100 रुपए के जो है स्कर्ट, अब डाइनिम की स्कर्ट और जो हाफ शॉर्ट्स जो होते हैं वो 100 रुपए में, और बिल्कुल फ्रेश था ये। और मतलब अगर आप ले रहे हैं तो चेक करके लिए, कोई कोई फ्रेश होते हैं, कोई कोई जो है मतलब यूज निकल जाता है, तो आप सारा जो है चेक करके लीजिए। यहाँ पे 100 रुपए की ये पूरे डांगरी है, जींस सब कुछ 100 रुपए का। ये शर्ट थी पूरा व्हाइट व्हाइट, ये भी जो है 100 रुपए के थे। 100 रुपए की तो वैरायटी इतनी थी ना, इतनी के बहुत ज्यादा। 100 रुपए में आजकल कुछ नहीं मिलता, 100 रुपए में यहाँ टॉप मिल रहे थे। वैसे 100 रुपए की तो सेल आजकल हर जगह मिल जाता है, बस ये कि हमें थोड़ा ना कई चीजें उसमें से देख के ही लेनी चाहिए, ताकि कोई चीजें फटी तो नहीं है, चेक करके हमें लेना चाहिए और यूज तो नहीं है। कई चीज क्या है 100 रुपए वाले में अच्छी अच्छी चीजें निकल जाती है। तो बस यहाँ पे देखो 100 रुपए में ये डाइनिम का मुझे बहुत अच्छा लगा, बस छोटा था तो मैंने इसलिए नहीं लिया। यहाँ पे मैं जींस देख रही थी, ये भी 100 रुपए की थी जींस, और बहुत अच्छे कलेक्शन था, न्यू कलेक्शन भी था। ये पर्स था यहाँ पे 100 रुपए, 150 रुपए ये पर्स था। और फिर मैं अभी जो है मेट्रो की लाइन पर ही हूँ, और ये जो है 100 रुपए के 2 टॉप थे यहाँ पे मैंने देखा, 100 रुपए के 2 टॉप, और कुछ अच्छे भी थे इसमें, शर्ट भी थी, टॉप थी, टी शर्ट थी, मतलब सब कुछ मिक्स था इसमें 100 रुपए के 2। ये जो है इयररिंग्स जो है 100 रुपए के 4 दे रहे थे भैया, और इयररिंग्स वाकई में बहुत अच्छे थे। ये 20 वाले में अलग था कलेक्शन, इसमें अलग था कलेक्शन। अगर आप बोलोगे 100 के 5 तो शायद 100 के 5 भी दे देंगे ये, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे 100 के 4 ही बताए थे। तो और देखो कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन इसमें है इयररिंग्स का। और फिर मैं जो है ये आंटी मुझे ना यहाँ पे 150 के 2 इन्होंने जो है मुझे झुमकिया बताई। अगर हम वैसे अलग से लेते तो 100 रुपए, 150 रुपए का एक पीस मिलता है, यहाँ पे जो है 150 रुपए के 2 पीस यहाँ पे मिल रहे थे, और काफी अच्छा था। हैवी हैवी झुमके थे, हम सूट के ऊपर जो है कैरी कर सकते, साड़ी के ऊपर। फिर बस ये है कि मैं थोड़ा मार्केट में अंदर गई तो देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, और ऊपर से गर्मी भी थी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पहले हमने पानी पिया, फिर हमने आगे की जो है शॉपिंग करी। जैसे हमने गेट से एंट्री करी तो यहाँ पे 300 रुपए की सेल लगी हुई थी पर्स की। मैंने 300 रुपए देख के मैंने सोचा चलो मैं भी देख लेती, क्योंकि मुझे एक बड़ा पर्स लेना था, लेकिन जब मैंने पूछा तो 300, 250, 500, मतलब सबका अलग अलग रेंज था। फिर देखो यहाँ पे 50 रुपए में टॉप मिल रहे थे,
तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी, अगर आप कोई भी चीज लो तो चेक करके ही लेना वहां से। 50 रूपये में काफी वैरायटी भी थी वहां पे, और 150 रूपये की शर्ट तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जेंट्स की शर्ट थी तो बहुत प्यारी शर्टें थी यहाँ पे, कलेक्शन भी काफी अच्छा था। जैसे हम लोग गोवा वगैरह या कहीं भी हम लोग समर पे जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं वहां पे पहनने के लिए कपड़े। सिर्फ शर्ट थी और ये फ्रेश थी, कोई ऐसे नहीं कि सेकंड हैंड है या यूज, मतलब जो भी हो ये जो बिल्कुल फ्रेश थी। 150 रूपये की बहुत प्यारी प्यारी थी, स्मॉल से लेके एक्सल साइज तक इसमें अवेलेबल था। तो 150 रूपये की शर्ट तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉफ्ट कपड़ा भी था इनका। अगर कोई जेंट्स ये वीडियो देख रहा हो तो उनके लिए बहुत अच्छी शर्ट है ये, काफी अच्छी भी लगेगी। और यहां से मैंने एक शर्ट परचेज भी करी थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है आगे 30 रूपये के एयररिंग्स मिल रहे थे। पहले मैंने आपको 20 के दिखाया, फिर मैंने आपको 40 के दिखाया, यहाँ पे 30 रूपये का पर पीस, यानी एक पीस जो 30 रूपये का ही था। और यहाँ पे ये नहीं कि आपको दो पीस मिल रहे हैं, तीन पीस नहीं, एक पीस जो है 30 रूपये का ही था। और एयररिंग्स देखो अच्छे थे, कलरफुल भी था और काफी अच्छे भी थे, और नए नए डिजाइन के एयररिंग्स थे। और कुछ ना कुछ देखो डिफरेंट हर चीज में होता है, यहाँ भी ये 30 रूपये के थे, बहुत प्यारे लग रहे थे कि ये एयररिंग्स। ये 100 रूपये के थे, झुमकियां वगैरह जो हम आराम से कैरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो कंगन थे, ये चूड़ियां थी, ये 50 रूपये, इनका रेट सेम ही था 50 रूपये पर पीस, 100 रूपये के दो पर पीस 50 रूपये। तो ये भी काफी अच्छा कलेक्शन लगा और अच्छे भी लग रहे थे, हाथ में मैंने पहन के भी ट्राई किया तो अच्छे लग रहे। सूट वगैरह के ऊपर हम कैरी कर सकते हैं बहुत आराम से, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी थे, मतलब अच्छे थे बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये फिर मैं कलेक्शन आपको दिखा दूँ, 100 रूपये के हाफ, ये कॉटन के थे, निकल जो थे हाफ, और इसमें जेंट्स गर्ल्स दोनों ही थे और काफी अच्छे थे शॉर्ट्स में, कॉटन था, प्योर कॉटन थे, और कुछ जॉर्जेट थे, कुछ सॉफ्ट कपड़े के थे। यहाँ पे ये ड्रेस थी जो इन्होंने मुझे 550 बताई है, तो ये तो नॉर्मली बोलते हैं कोई 650, 550, 450, लेकिन हम जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं और ये हमें कम भी दे देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है ये शर्ट थे, पूरा सेट था मतलब, और टॉप थे यहाँ पे, और ये जो है हमें 250 रूपये के दे रहे थे भैया, और 250 रूपये के हिसाब से सही था ये जो पूरा, इसमें अंदर ना क्रॉप भी था, फिर ऊपर से शर्ट थी, तो ये भी कलेक्शन अच्छा था। नए नए कलर के थे यहाँ पे, कॉटन के थे, सबसे गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छे थे कि कॉटन के कपड़े थे यहाँ पे, और काफी अच्छे सॉफ्ट वाले नहीं होते कॉटन, तो वो मतलब अच्छे कपड़े थे ये। तो ये 200-250 के भैया हमें जो है दे रहे थे सेल्स में। और यहाँ पे जो है ये 250 रूपये के ये जो ऊपर है ना कॉट सेट, इनका रेट अलग था। फिर यहाँ पे 250 रूपये के जो ये कुर्ते हैं, ये चिकनकारी कुर्ते के 250 रूपये के थे। और देखो इसमें कलर ऑप्शन कितने प्यारे प्यारे हैं, मतलब किसी भी कलर का हम ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे 150 रूपये की हमें जींस मिल रही थी, जींस कैसी भी ले लीजिए आप, स्मॉल से लेके डबल एक्सल साइज तक जो है जींस थी यहाँ पे, साथ के साथ बीच में स्कर्ट भी थी 150 रूपये की। और अगर आप ले रहे तो चेक करके आप लीजिए, बार बार मैं आपसे यही कहूंगी। यहाँ पे व्हाइट का कलेक्शन था, व्हाइट शर्ट, व्हाइट टॉप जो है मात्र 150 रूपये में, और काफी अच्छे पीसेस थे ये 150 रूपये में, और काफी अच्छे भी लगे मुझे, और शॉर्ट भी थे, लॉन्ग भी थे, मतलब दोनों ही तरह के मिक्स थे यहाँ पे 150 रूपये में। पूरा व्हाइट का ही कलेक्शन था भैया के पास, कोई और कलर थे ही नहीं, सिर्फ व्हाइट व्हाइट। यहाँ पे 300 रूपये के जो है मैं कुर्ता सेट है पूरा, हाँ लेकिन हाँ इसमें चुन्नी नहीं है, कभी आप सोचो चुन्नी नहीं है, सिर्फ टू पीस सेट है, 300 रूपये में कॉटन के कुर्ते थे। और ये भी देखो कलेक्शन कितने अच्छे अच्छे हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और कलेक्शन काफी अच्छा है। यहाँ पे जो है भैया सामने बैठ के ना 100-100 रूपये के हाफ निकर दे रहे थे बेबीज के लिए, बहुत अच्छे लगे, न्यू कलेक्शन था, कोई यूज नहीं था और अच्छा था। मैंने भी यहाँ से लिया एक, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी परचेज कर लिया यहाँ से। और यहाँ पे देखो मैंने इनसे ये पूछा कि कितने का है, तो सब जो है भैया ने कहा कि रेट लिखा सबका, मैंने जो जो मेरे हाथ में 120 ही था। यहाँ पे 100-100 रूपये की फिर टी शर्टें आ गई, यहाँ पे जो है वूलन टाइप के हैं और मतलब कॉटन थे, सब जो है मिक्स थे 100-100 रूपये में, और 100-100 रूपये में कलेक्शन काफी अच्छा था। 50-100 रूपये का तो सरोजनी नगर में बेस्ट है कि मिल ही जाता है, बस हमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है, लेकिन सब जो है हमारा हमें आराम से मिल जाता है। तो 100-100 रूपये साथ में ही जो है भैया ये पर्दे वाले जो आप लोगों ने कई वीडियो में देखे भी होंगे, ये जो है 150 रूपये के थे। इन जो है ये 5 मीटर पर्दे थे, हाँ 5 मीटर, 6 मीटर, तो 150 रूपये की सेल थी और पर्दे कलेक्शन बहुत अच्छा था। फिर जो है ये 200 रूपये की सेल थी, जेंट्स वाली टी शर्ट बहुत अच्छा था, ये 50-50 रूपये में पूरा मेकअप का सामान, और सिर्फ लिपस्टिक, नेल पॉलिश, और मतलब ये सब 50 रूपये था, लेकिन जो पीछे ब्लशर वगैरह रखे ये 50 के नहीं थे,
सिर्फ जो है ये आगे के ही 50 रूपए के थे, और ये जो आई शेडो वगैरह ये 50 के नहीं थे, ये ज्यादा ही थे। और बस सेल लगा हुई थी 50 की। फिर अंकल एक 100-100 रूपए के ना ये कुर्ते के वहां पे सेल लगी हुई है, कॉर्नर पर ही होती है, 100-100 रूपए के कुर्ते के। यहाँ पे ये 100 रूपए के 2 पेयर थे गले के। वैसे हम नॉर्मली अगर लेंगे तो 100 रूपए का एक मिलता है, यहाँ पे 50 रूपए पर पीस मिल रहा था, तो अच्छा भी था ये। इसे हम सूट के ऊपर साड़ी के ऊपर कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे 200-200 रूपए की पैंट, और 200 रूपए की पैंट तो वाकई में बहुत अच्छी थी ये, क्योंकि बाहर तो हम लेते हैं तो 250 से कम नहीं मिलती है। ये 200 रूपए की पैंट थी, और बट ये क्या इसमें लास्टिक थी तो ये 200 रूपए की थी। और कई जगह यही पैंटे आपको मैं आगे रेट में दिखाऊंगी कि क्या फर्क आया। तो 200-200 रूपए की पैंट, और कलर ऑप्शन देखो कितना अच्छा है, हर तरह के कलर थे, हर तरह के कलर। तो ये भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा जो है वहां पे चल रहा है। मतलब हर जो है वहां पे मैं गई मार्केट में तो हर कोई, हर दूसरा तीसरा बंदा यही पैंट जो है पहन के घूम रहा था आराम से। और यहाँ पे जो है ये स्लीपर है, 200-200 रूपए की सेल जो है लगी हुई थी यहाँ पे। और ये जो है रबड़ की, हम पानी में जाएंगे तो पानी में बहुत अच्छी है स्लीपर ये चप्पल। और देखो हर तरह की वेरायटी है, सारी रबड़ वाली है। ये सिर्फ मात्र जो है 200-200 रूपए में, वरना 300-400 की तो मिलती मिलती है। फिर ये 80-80 रूपए के जो टॉप मिल रहे थे, लेकिन ठीक ठाक थे, इतना अच्छे नहीं थे। यहाँ पे देखो फिर जो है 250-200 रूपए की सेल लगी थी, 250 की शर्ट थी, 200 रूपए के कुर्ते थे। और ये कुर्ते तो इतने ही मतलब ट्रेंडेड में थे कि जो है हर दूसरा बंदा जो है कुर्ते पहन के वहां पे मैंने देखा सरोजनी नगर में कि आ रहा था। और यहाँ पे देखो काफी अच्छा कलेक्शन है, कलरफुल थे सारे के सारे। ये पर्स थे यहाँ पे 350, 300, 250, मतलब ये सब जो है पर्स का कलेक्शन था। ये 250 रूपए के जो है नाइट सूट था, नाइट सूट का एक ही रेट था वहां पे 250 रूपए, कहीं से भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखो देखो 30 रूपए का फिर एयरिंग्स का कलेक्शन आ गया। एयरिंग्स तो इतने हैं वहां पे, इतने के बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ सबका रेट सेम ही था 30-30 रूपए। और यहाँ पे 100-100 रूपए की देखो शर्ट, टॉप, टी शर्ट वगैरह सब कुछ जो है 100-100 रूपए में है। इसमें जो बीच बीच में वूलन भी था, और मैं आपसे बार बार कहूंगी जब भी आप लें तो चेक करके ही लें वहां से, और बिना चेक करे कोई भी आइटम ना लें। सब जो है 100-100 रूपए का मिल रहा था। और देखो स्लीप, मतलब स्लीप कट भी था, बाजू वाले भी थे, हर तरह के जो है यहाँ पे 100-100 रूपए के हैं। और काफी अच्छा लगा कलेक्शन, कलरफुल तो थे ही वहां पे, और वूलन भी पता नहीं क्यों इस टाइम पे उन्होंने वूलन रखे थे। और मतलब पहनने में जो चुभे हल्के, इतने वूलन नहीं थे लेकिन हल्के वाले टॉप थे वूलन वाले। ये देखो 250 रूपए के जो है मतलब घुटनों तक जो टॉप होते हैं, कुर्ते आप कह लीजिए, तो ये सारे जो है 250 रूपए के हैं। और इसमें देखो कलरफुल है, ये भी काफी अच्छा कलर है। ये 200-200 रूपए की यहाँ पे स्कर्ट मिल रही थी, और कलरफुल देखो कितने, मतलब हर तरह के कलर है स्कर्ट मिले थे। हम पहन सकते हैं इसके ऊपर, टॉप पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप वगैरह हम इजिली पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी जो है स्कर्ट भी मिल रही थी। मैं आपको रेट जो है साथ के साथ दिखा भी रही थी ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना हो। यहाँ पे फिर अगेन 100-100 रूपए की टी शर्टें आ गई, और 100-100 रूपए की तो इतना था, इतना आइटम है ना वहां पे बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्रॉप टॉप थे, वो सॉरी क्रॉप टी शर्ट है यहाँ पे 200 रूपए की। वैसे ये अगर हम कहीं और से लेंगे तो 250 रूपए की मिलती है, मैंने भी कई जगह चेक किया तो 250 से कम नहीं मिलती है। तो यहाँ पे 200 रूपए की जो है क्रॉप मिल रहे थे टी शर्ट, और कलरफुल बहुत अच्छे थे कलर। और यहाँ पे जो है पैंटे फिर 200-200 रूपए की, ये वाली पैंटे भी हर तीसरी दुकान पे, हर तीसरी दुकान पे। और हाँ यहाँ पे देखो, मैंने एक बार उत्तम नगर वाले में ब्लॉग में था तो वहां पे 250 का था ये बेल्ट वाला, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे 200 रूपए की मिली और बहुत अच्छी लगी। और आज कलर भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जो है टॉप थे 100-100 रूपए की, और जो लॉन्ग टॉप होते ना घुटनों तक तो वो थे 150 रूपए के, यानी लॉन्ग टॉप 150 रूपए के, और शॉर्ट वाले टॉप जो है 100-100 रूपए के यहाँ पे ये भैया दे रहे थे। कॉटन थे, और प्योर कॉटन थे, कि जिस समर के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। यहाँ पे बच्चों की जो है स्लीपर है, ये 200-200 रूपए की सेल लगी हुई थी यहाँ पे, और बहुत प्यारा प्यारे मतलब स्लीपर है बच्चों के, कलरफुल है, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के लिए आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये शॉप तो आपने हर ब्लॉग में देखी होगी, इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, सबके रेट लिखे थे। और ये सारी लॉन्ग ड्रेसेस 950, 850 सब इसी रेंज में थे यहाँ पे। यहाँ पे 200-200 रूपए के फिर मैं आपको कुर्ते दिखा रही हूँ कलरफुल, वो भी कॉटन के, प्योर कॉटन के कुर्ते हैं 200 रूपए में, और कलर ऑप्शन आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे भैया स्कर्ट दे रहे थे 100-100 रूपए की, मात्र 100 रूपए की स्कर्ट। मैं हैरान होगी कि 100 रूपए की स्कर्ट, इतना अच्छा मतलब कलेक्शन था यहाँ पे। डाइनिम थी, नॉर्मल थी, कॉटन थी, कैसी भी तरह की आप स्कर्ट ले सकते हो 100 रूपए की। फिर यहाँ पे 200-200 रूपए के फिर कुर्ते हमें मुझे दिखे, कॉटन है सारा ये,
जॉर्जेट नहीं था, सिर्फ प्योर कॉटन था, तो अच्छा कलेक्शन था, कलरफुल था। देखो कलर भी कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं ये, हम कहीं घूमने जाए तो हम पहन सकते हैं। और गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन इस टाइम पे सरोजनी नगर में आया हुआ है, तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करिए। फिर देखें यहाँ पे 30 रुपए का कलेक्शन फिर आ गया एयरिंग्स का। और यहाँ पे ये शर्ट है, शर्ट जो है ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट शर्ट है, ये लेडीज की शर्ट थी, जेंट्स की नहीं थी, तो शॉर्ट शर्ट थी ये 200 रुपए में। तो ये शर्ट का कलेक्शन मुझे नहीं भैया के पास दिखा, मैंने और कहीं नहीं देखा था, तो 200 रुपए का कलेक्शन था। साथ साथ ये भैया जो है लॉन्ग ड्रेसेस भी रख रहे थे, पर इन्होंने भी रेट मुझे बहुत हाई फाई बताया, लेकिन मुझे लेना नहीं था तो मैंने जो है कम नहीं करा है। फिर यहाँ पे ये कलेक्शन आया, फिर 200-250 का कलेक्शन था ये भी। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए था 150 रुपए की फ्रॉक, और जो बड़े वाले बच्चों के लिए थे वो तो 250 रुपए, यानी 5 साल से ऊपर के 250 रुपए की, और जो छोटे थे उनके 150 रुपए की। तो ये फ्रॉक के बिल्कुल कॉटन थी, तो ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, कलरफुल भी थे, प्योर कॉटन था, सॉफ्ट कपड़े भी थे कि बच्चों को ना पहनने में चुभेगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो है कॉटन के कुर्ते फिर आ गए, ये थे 200-250 रुपए के थे कुर्ते, और ये जो हम जींस के ऊपर कैरी कर सकते हैं आराम से, और बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो है ये सेट है 400 रुपए का, मैं अगर आप खाली शर्ट लेंगे तो 200-250 के हमें सिंगल शर्ट मिलते, लेकिन ये पूरा सेट था पजामे के साथ जो है 400 रुपए का सेट मिल रहा था, कोट सेट आप कह सकते हैं इसे, तो पूरा सेट जो है 400 रुपए का मिल रहा था। ये भी मैंने जो है यहाँ पे देखा, और कहीं मैंने कलेक्शन नहीं देखा था, तो 400 रुपए की यहाँ पे सेल लगी हुई थी, और कलरफुल थे, काफी अच्छे थे। यहाँ पे 100-100 रुपए के जो है ये पैंटे मिल रही थी, स्कर्ट मिल रही थी, मतलब मिक्स होते हैं जो 100-150 रुपए के जो होते हैं ना यहाँ पे कलेक्शन हैंगर में, सारे ना मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 100-100 रुपए की जो थी स्कर्ट जो है, जो हैंगर में थी वो 100 की थी, लेकिन वैसे तो थोड़ी अलग थी, उनका प्राइस अलग बताया मुझे भैया ने। यहाँ पे 100-100 रुपए के जो टॉप आ गए, देखो ये भी वूलन ही है कि गर्मी लगे, और यहाँ पे स्लीपर है 250 रुपए की सेल, मतलब स्लीपर कहीं 250 की कहीं 200 की, तो यही वहां पे जो है रेंज चल रही है। कोई भैया 250 का देगा आपको, कोई भैया आपको 200 रुपए की स्लीपर देगा, तो आप पहले मार्केट में विजिट करिए, उसके बाद ही परचेज करिए। वैसे 200 रुपए की स्लीपर आराम से मिल रही है वहां पे। यहाँ पे जींस थी 150 रुपए की जींस, तो जींस भी काफी अच्छा कलेक्शन था, स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक आप जो है जींस ले सकते हैं। जींस भी आप देख सकते हैं क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जींस की, नो डाउट, तो आप जींस भी ले सकते हैं वहां से। यहाँ पे 250 रुपए का जो है सेट, सिर्फ कुर्ता कुर्ता था, इसमें कोई पजामे वगैरह नहीं थे, हम जींस के ऊपर कैरी कर सकते हैं। ये देखो फिर से चिकनकारी कुर्ते, ये 250-200 रुपए के थे, मतलब ये भी आपको रेट दो मिलेंगे, कई जगह आपको 250 का मिलेगा तो कई जगह आपको 200 का मिलेगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आप महंगा मत खरीदना, पता चले आगे आपको 200 का मिल ले लेकिन आप 250 वाला खरीद लें, तो आप इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो शर्ट थी ये 100-100 रुपए की शर्ट थी, शर्ट भी काफी अच्छा कलेक्शन था, यहाँ पे कलरफुल शर्टें थी, और ये देखो स्काई ब्लू वाला कितनी अच्छी शर्ट लग रही है, ब्लू वाली भी शर्ट अच्छी लग रही है, तो हमने ये चेक वाली शर्ट है, ये भी बहुत अच्छी शर्ट है, प्यारी शर्ट है ये, तो ये कलेक्शन भी काफी अच्छा था शर्टों का। हमने काफी मतलब एक दो शर्ट यहाँ से ली भी है, और मैं आपको बाद मतलब जो मैंने यहाँ से परचेज किया मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने यहाँ से क्या परचेज किया है। और ये देखो शर्ट कितनी प्यारी लग रही है, कॉटन था, प्योर कॉटन, और ये टॉप जो है इसमें शर्ट के बीच में ये भी दिख गया 100 रुपए का मात्र, ये भी बहुत अच्छा था, प्योर कॉटन था। और यहाँ पे जो है नेल पॉलिश है ये 20-20 रुपए की भैया सेल लगा के बैठे थे। और यहाँ पे जो कुर्ते हैं ये भी जो है 200-200 रुपए के कुर्ते थे, काफी अच्छा कलेक्शन है, मतलब समर के हिसाब से कलरफुल थे, लाइट कलर थे, तो अच्छा लगा। और आप लोग जो है जब भी शॉपिंग करें तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो फिट पर्दे आ गए, पर्दे भैया ने सेल में लगाए हुए थे, तो मैंने भी चेक किया तो फिर उन्होंने बताया 700 रुपए के 10 पीस। यहाँ पे बॉटल है पानी की बोतल, ये 100 रुपए पर पीस है, ये बोतल भी आपको हर जगह मिलेगी। ये पैंट फिर आ गई आपको 200 रुपए की, बोलते हो हर तीसरी दुकान पे जो है ये 200 रुपए की पैंट आपको आराम से दिख जाएगी। और ये है कि आप जो है मेट्रो के बाहर से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो पटरी मार्केट लगती है, और आप मार्केट के अंदर से भी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो है सेम रेट है, ऐसा नहीं कि आपको वहीं ही जो है रेट कम मिलेगा और अंदर मार्केट में नहीं, हर जगह सेम रेट है। यहाँ पे जो है जेंट्स की शर्ट मिल रही थी 250 रुपए की, क्रोसिया टाइप में बुनी हुई थी ये 350 रुपए की लॉन्ग शर्ट थी, और लॉन्ग ड्रेस थी यहाँ पे, तो मतलब फूलों वाली ड्रेसेस, और देखो कलर भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी जो है 350 रुपए का सेट मिल रहा था। और मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि 10 रुपए का मुझे क्या टॉप मिला, और मुझे यकीन नहीं है कि 10 रुपए में क्या मिलता है, तो बस मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि 10 रुपए का हमें क्या मिला।
यहाँ पे जो है पैंटे मिल रही थी 100-100 रुपए की, और मतलब 100 रुपए की पैंट हमें मेट्रो वाली पटरी मार्केट पे भी मिल रही थी और अंदर भी मार्केट में मिल रही थी। तो आप कहीं से भी नो डाउट आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप वहां से भी शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी। बस ये है कि अंदर मार्केट में आपको वैरायटी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन बाहर जो मार्केट है मतलब पटरी मार्केट है वहां पे वैरायटी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन अंदर आपको वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 200-200 रुपए की जो है ये मतलब फ्रॉक टाइप में मिल रहा था, और पीछे से मतलब इलास्टिक थी आगे से ओपन था, तो ये भी 200-200 रुपए की बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कलेक्शन लगा इसमें भी गर्मी समर के हिसाब से। और जैसे कलरफुल है, लाइट कलर है, चुभने वाले कलर नहीं थे, चलो चुभेंगे कलर तो चुभने वाले कलर नहीं थे। यहाँ पे देखो फिर से मैं 100 रुपए के टॉप लेके आ गई, 100 रुपए की वेरायटी तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। इस टाइम पे जो है समर में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, तो आप एक बार जरूर विजिट करिए मार्केट में। यह है 10 रुपए के टॉप, मुझे यकीन ही नहीं होता कि 10 रुपए का टॉप था, ये मेट्रो के बाहर ही था बिल्कुल। तो बस यही था और आज का मेरा छोटा सा ये ब्लॉग। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और मैं आपसे बार बार कहूंगी जब भी आप शॉपिंग करें वहां से, तो आप बिल्कुल सारा सामान जो है वहां से चेक करके ही लेना, बिना चेक के मत।